मेरे हाथ में बैग सी वो अपने खो के ले गया तो अगे उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट खड़ा सी 1,00,000 रुपया पूरा किंदा सी यार वो मेरे दोस्त दा सी की नाम जी कैलाश गर्ग 1,00,000 रुपये की लुट होगी करीब 1 बजे डाकखाने को अबोहर विच दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार नौजवानां ने एक व्यक्ति तो 1,00,000 रुपये वाला बैग खोलिया अते फरार हो गए। यह घटना अबोहर दे मुख डाकखाने नेड़े वापरी। नवी आबादी गली नंबर 2 दा रहण वाला रमेश कुमार करीब 1 बजे डाकखाने विच अपने एक दोस्त दे 1,00,000 रुपये जमा करवाउण आया सी। शनिवार होण करके डाकखाने दा कैश काउंटर जल्दी बंद हो गया, इसलिए ओह पैसे वापस लेके डाकखाने तो बाहर आया अते पैसे नाल भरिया बैग बाहर खड़ी अपनी स्कूटी दी डिग्गी विच रख दिता। इस दौरान मोटरसाइकिल ते दो नौजवान उत्थे पहुंचे ते उसदे हथों बैग खो के अपने मोटरसाइकिल ते बैग लेके फरार हो गए। घटना दा पता लगदिया थाना सिटी दे इंचार्ज संजीव तरमाला अपनी टीम समेत मौके ते पहुंच के घटना दी जांच शुरू कर दी। की नाम है जी अपना? मेरा नाम रमेश कुमार। कितने रहते हो जी? नई बाती गली नंबर 2। की काम करते हो? मैं प्राइवेट फर्म से जॉब करता। की वारदात हुई थोड़े नाल? मैं किसी का 1,00,000 रुपये इतने जमा कराने वास्ते आया सी डाकखाने। किन्ने क बजे की गल है? 1:15 का टाइम होना, टाइम मेरे को एग्जैक्ट तो याद है नहीं मैनू। हाँ जी, तो डाकखाने वाले कहना कि हूँ तो कैश बंद हो गया जी। तो मैं उधर कई स्कूटियां स्कैटरियां खड़ी सी, कोई होर खड़े सी, मैं पिछों आया जी। मैं इतने लिया के मैं जगह खाली है, ऐवें कोई ठोक ठाक देगा? इधर एक्टिवा खड़ी करती, तो मैं जो पैदल आ रहा से अपनी एक्टिवा लैन वास्ते, इधर कोई दो पिछों एक बंदा आया, मेरे हाथ में बैग सी वो अपने खो के लै गया एकदम। अगे उन्होंने कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट खड़ा से, उन्हें तो बह के वो बच गया। तो मैं चाबी जेब तो चाबी कढ़ने लग्या, मैं फड़ो फड़ो फड़ो, मैं तो इन्ना बोलो, मैं उन्होंने आप ढूंढिए सरी फड़िए सरी, मैं कभी इधर देखा कभी इधर देखा। किन्ने सीगे जी पैसे? 1,00,000 रुपया पूरा। किन्दा सीगा? वो मेरे दोस्त दा सी। की नाम जी? कैलाश गर्ग। कितने रहिंदे जी? आसाराम चानू मतलब आड़ दी दुकान हैगी है, पहले भी 2,00,000 रुपये उन्होंने जमा कराया है उन्होंने। अच्छा, सीनियर सेविंग स्कीम से। तुसी एजेंटी करदे हो पोस्ट ऑफिस? नहीं जी नहीं, वो मेरा दोस्त है, वो हैंडीकैप है, चल नहीं सकता, वो कहंदे अपने मेरे तो जमा करवा दिता। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਲਾਸ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੀਜਾ, ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, FIR ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰ? ਤੇਰੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਠੱਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਸ ਪਾਸ 'ਚੋਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉਸ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਐਗਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣੇ ਐਗਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦ ਇਵਨ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਲਈ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।